सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी वर्णमाला में जो संयुक्त व्यंजन होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं, श, त्र, ज्ञ और क्ष, त्र, ज्ञ और श। ये 4 संयुक्त व्यंजन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है अक्ष, ठीक है, आपने ये पढ़ा है और पढ़ ही रहे हो, लेकिन ये किन 2 व्यंजनों से मिलकर बनता है? संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन तो 2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं, जैसे कि अक्षर जो है ये संयुक्त व्यंजन है। ये किन 2 व्यंजनों को मिलाकर बनाया गया है? क, वो भी कौन सा? आधा क, ठीक है, और श, मूर्धन्य ष जिसे आप कहते हो, ठीक है, ये 2 अक्षरों को मिलाकर बनाया गया है। इसमें जो ये क है, क को आप कैसे लिखते हो? आधे क को ऐसे लिखते हो, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, दोनों ही ठीक है। श से बनने वाले बहुत सारे शब्द हैं, जैसे क्षमा, क्षेत्र, पक्ष, कक्ष, आपने देखा सब में अक्ष आया है, इसमें क और श है। कई बच्चे से छ पढ़ते हैं, क्षमा, जो कि गलत है, इसे क्षमा नहीं बोलते हैं, क्षमा होता है, क्षमा, ठीक है। फिर दूसरा जो अक्षर आता है वो आता है त्र। त्र अक्षर त और र को मिला के बनता है त्र। आप देखेंगे त्र, आधा त और र को मिलाकर बना है, ठीक है, आधा त और र को मिलाकर बना है। और त्र से बनने वाले भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे त्रिशूल, त्राण, पत्र, नेत्र, ठीक है। हमारा तीसरा शब्द आता है ज्ञ। ज जो है वो ज और य को मिलकर बनता है, ये आपको याद रखना है। ज्ञ जो है आधा ज और य को मिलकर बनाया जाता है, बना है ज, ज्या, ज और य, ठीक है। यक, यान, विज्ञान। फिर हमारा चौथा शब्द है, चौथा अक्षर है श। श और र को मिलकर जो बनता है श, श जो है श यानी आधा श और र को मिलकर बनाया जाता है, ठीक है। इससे बहुत सारे शब्द हैं, श्रवण, श्रम, विश्रम, श्रमिक, सॉरी परिश्रम, परिश्रम, एक विश्राम भी होता है, ये परिश्रम है, ठीक है। तो ये शब्द है जो 4 संयुक्त अक्षरों से मिलकर बने हुए हैं। 4 संयुक्त अक्षर हैं अलग अलग, श, त्र, ज्ञ और श्र, ये आपको याद कर लेना है और समझ लेना है। फिर आपको ये वर्कशीट करनी है, इसमें आप देखेंगे पढ़ो, समझो और लिखो, यही शब्द 4-4 बार लिखना है, हर शब्द 4 बार लिखना है। आप देखेंगे क, श से श, त्र, ज्ञ और श कैसे बने हुए हैं, ये आपका अभी वर्कशीट है। धन्यवाद।